स्किन और हेयर के लिए वो कौन से विटामिन्स हैं जो ज़रूरी होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और टैबलेट्स की नहीं, सिर्फ उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे किचन में या रोज़मर्रा की चीज़ों में, खाने की चीज़ों में अवेलेबल होते हैं। तो पहली चीज़ है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है? ये एक तरह का विटामिन ए एनालॉग है, विटामिन ए की मिलता जुलता मॉलिक्यूल है, और ये इंटरनल सनस्क्रीन का काम करता है। तो ये आपके स्किन को हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, तो स्किन में हमेशा ग्लो बना रहेगा, हेयर में हमेशा ग्लो बना रहेगा, और रिंकल्स और लाइंस डेवलप नहीं होंगी। तो ये किसमें पाया जाता है? जितने भी येलो फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका पपीता या मैंगो, जो भी आपको येलो रेड दिखता है, गाजर, ऑरेंज चीज़ें दिखती हैं, उन सब में बीटा कैरोटीन है। तो हमें सेलेक्टिवली उन सारी चीज़ों को डेली डेली अपने डाइट में इंक्लूड करना है जो येलोविश हो, उससे हमारी स्किन अच्छी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है लाइकोपीन। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और आपके स्किन के ग्लो को बनाए रखता है और हेयर के भी ग्लो को बनाए रखता है, हेयर फॉल भी रोकता है। और ये पाया जाता है जितने भी डार्क रेड चीज़ें हैं, जैसे टमाटर या चुकंदर, बीट रूट्स, या फिर ग्रेप्स, जो रेड वाले ग्रेप्स होते हैं, डार्क रेड। तो हमें अपने डाइट में न सिर्फ येलो फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है, बल्कि जितना हो सके रेड चीज़ों को भी हमेशा अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो ये दो चीज़ें हैं, बीटा कैरोटीन और दूसरी चीज़ लाइकोपीन, जिसे अगर आप हमेशा अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी स्किन में हमेशा ग्लो बना रहेगा, लाइंस कम डेवलप होंगी, रिंकल्स कम डेवलप होंगे, और स्किन टाइट बनी रहेगी। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग एजेंट्स भी हैं, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन, येलो फ्रूट्स और डार्क रेड फ्रूट्स।